हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक, आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ दीपक में फ्रेंड्स स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस समय संत कबीर नगर में हूं और यहां क्या क्या है पूरी डिटेल्स में आपको दिखाता हूं अपने ब्लॉग वीडियो में। देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स दिख रहा है ये पूरा पानी और क्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पूरी डिटेल्स को हम आपको बताता हूँ। आइए चले देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अभी तो फ्रेंड्स जस्ट हम आए हैं और देखिए अपनी बाइक के साथ हम आए हैं और देखिए एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है फ्रेंड्स, जो कि संत कबीर नगर एकेडमी मगहर जनपद है फ्रेंड्स। और आइए पूरी इसके अंदर चलते हैं, कैसे कैसे क्या है पूरी डिटेल्स जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ का क्या क्या है, क्या रहस्य है। तो फ्रेंड्स अब देखिए अंदर की तरफ चल रहे हैं हम, एरो शो कर रहा है। अब देखिए बहुत खूबसूरत गेट है और हम लोग एंट्री ले रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर कपड़ा धुलाई का भी काम हो रहा है। ये फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स बताया कि मैं इस समय संत कबीर नगर में हूं और यही ये मुख्य मंदिर है जो कि यहां निर्माण का कार्य चल रहा है और यहां बजट में कुछ पैसा भी आया है। और यहां दिखाते हैं आपको, ये बड़ा सा मंदिर है और यहां हमने परमिशन लिया है आने के लिए। और ये वो मंदिर है फ्रेंड्स जो कि बगल में मस्जिद भी है। इसी के जस्ट बगल में मंदिर है जो कि देखिए मैं फ्रेंड्स दिखाऊं कि कबीर समाधि सतगुरु कबीर समाज जी का है ये मंदिर मगहर धाम में है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं दिखाऊं कि आपको, देखिए यही मुख्य मंदिर है, यहाँ पूजा पाठ सब कुछ होता रहता है। मुख्य मंदिर है फ्रेंड्स और दिखाऊं कि मैं आपको अंदर पूरा लेकिन आया वही से मेन मंदिर है फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाऊं कबीर जी का कितना खूबसूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पंडित जी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, आइए इनसे पूरी हम जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था और पूरी डिटेल्स बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत फ्रेंड्स जगह है ये और
और यहाँ पूरा लिखा गया है अच्छे से। फ्रेंड्स यहाँ सीसीटीवी कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, परमिशन के थ्रू फ्रेंड्स हमने यहाँ आया। पूरे देखिए यहाँ पर डिटेल्स फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इनकी डिटेल्स है यहाँ पर पूरी लिखी गई है। और मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जैसे दिखा पा रहा हूँ, देखिए अभी पंडित जी से भी हम बात कराते हैं यहाँ। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने दिखाया कि यहाँ पर पूरी क्या क्या है, और आइए यहाँ पंडित जी से बात कराते हैं। प्रणाम पंडित जी, पहले तो आपको हाँ जी और पकड़ लीजिए यहाँ पर कैसे क्या क्या हुआ था पूरा डिटेल्स बताएं। जैसे कि कबीर साहब का आने के कारण इस धरोहर धाम पर कई कारण रहते हैं। उधर चलिए, इधर आ जाएगी इधर। जैसे कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए आज से 620 वर्ष पहले अपने भारतवर्ष में काफ़ी दुराचार फैले हुए थे। जो हिंदू लोग, जो गरीब तबके के लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार, धन रखने का अधिकार, या खुले में नहीं चल सकते थे, या मंदिर में पूजा नहीं कर सकते थे, या घोड़े पे, हाथी पे नहीं बैठ सकते थे, ऐसी पाबंदियाँ थीं। तो लोग परेशान होकर लोग मुस्लिम समाज ग्रहण करने लगे थे, कुछ लोग ईसाई बनने लगे थे, कुछ लोग मुस्लिम लोग अपने तलवार के बल पर हिंदू लोगों को मुस्लिम बना रहे थे। उसी समय कबीर साहब मानवता का संदेश देने के लिए काशी में प्रकट होते हैं, लहरतारा तालाब में। जो उस समय लहरतारा जो तालाब रहता 90 एकड़ का छोड़ में रहता है, वर्तमान में तो सब में आबादी हो गया है। और लहरतारा के दूसरे तट पर स्वामी अष्टानंद जी ध्यान करते हैं। वो देखते हैं कि आकाश से एक प्रकाश आता है और कमल के पुष्प पर रुक जाता है। ये वार्ता वो अपने गुरु जी रामानंद जी से भी बताते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कोई ना कोई महापुरुष का जगत कल्याण के लिए अवतरित हुआ है। उसके बाद जो नीरू नीमा दंपति जुलाई होते हैं मलवाड़ी से, नीमा अपनी पत्नी को, नीरू अपनी पत्नी को बुला के लेके आते हैं पहली बार मैके से ससुराल के लिए। तो उनकी पत्नी को पानी पीने की जिज्ञासा होती है, तो पानी पीने के लिए तालाब में जाती हैं। तो देखती हैं कमल के पुष्प पर एक बच्चा होता है, और काफ़ी उस बच्चे को देखने के बाद देख चारों पास देखती हैं, कोई कहीं नज़र नहीं आता है। तो उनके मन में आता है कि इस बच्चे को भरे जंगल में कौन छोड़ गया है, हम नहीं लेके जाएंगे तो ये पशु पंछी या कोई मर जाएगा ऐसा ऐसा। तो उस बच्चे के प्रति ममता का प्रेम उड़ने के बाद, दोनों समझौता होने के बाद उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं। जो कभी छोरा बनारस में उनका लालन पालन होता है, वहीं से कभी साहब देश दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं। कभी साहब का मगर आने का क्या कारण रहता है कि बताते हैं, कभी साहब के समकाल से पहले इस परिक्षेत्र में बौद्धिस्ट संत लोग ज़्यादा रहते हैं, बौद्ध भिक्षुक जो लुम्बिनी से लेकर बोधगया के लिए आते जाते रहते हैं। तो बताते हैं कुछ जो इस क्षेत्र के लुटेरे लोग होते हैं, उन संतों को सताते हैं या उनसे मारपीट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संत लोग इस क्षेत्र का नाम मारघर डाल देते हैं। मार्ग माने रास्ता, हर माने समान, सिलसिला चलता रहता। उस समय बौद्ध धर्म देश दुनिया में काफ़ी प्रचार प्रसार करता है। तो उसी में जो काशी के पुरोहित समाज होते हैं या पंडा पुजारी होते हैं कि काशी की तरफ आस्था कैसी जोड़ी जा, इस क्षेत्र की छवि कैसे लो किया जा, तो उसमें वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो काशी मरेगा मोक्ष पाएगा, जो मगर मरेगा नरक जाएगा। तो नरक का दर्जा छोटे से कस्बे से नहीं देते हैं, लुम्बिनी से लेकर बोध गया था पूरी भूमि को नरक बता देते हैं, जिसमें अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, पूरे परिक्षेत्र को नरक बता देते हैं। तो इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनकी बात पर विश्वास करने के बाद काशी में शरीर त्यागने लगते हैं, परंपरा चालू हो जाता है। तो कबीर साहब के समकाल से आने से पहले क्षेत्र में कोई बुजुर्ग संत आते हैं, पानी मांगते हैं, पानी की जगह उनके बर्तन में मिट्टी या धूल भर के दे देते हैं। तो जो है कि जो वो बुजुर्ग संत होते हैं उनके मन से, हृदय से वाणी निकल जाता है कि आज क्षेत्र में सूखा ही पड़ेगा। उस समय के बाद धीरे धीरे बारिश पड़ना कम होने लगता है। काफ़ी उपचार किए जाते हैं दोनों धर्मों के अनुसार, लेकिन बारिश नहीं होता है।
तो इसी बीच में जो राजा, यहाँ का जो राजा होता है, जनता दरबार लगाता है, तो उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, सब लोग अपना अपना मत रखते हैं। तो संत परंपरा के संत लोग कहते हैं हम लोगों में तो इतनी शक्ति नहीं है जो हम बारिश करा सकें, लेकिन काशी में कबीर साहब रहते हैं, अगर उनके पास जाएंगे कुछ ना कुछ समस्या का निदान हो सकता है। यहाँ का जो राजा होता है अपने साथियों को साथ लेकर कबीर चौरा बनारस जाते हैं, पूरा विनती निवेदन करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर हमारे चलने से बारह समस्या का निदान होता है तो हम अवश्य चलते हैं। तो जैसे कबीर साहब काशी से मगर के लिए चलते हैं, उस समय के काशीवासी लोग वही बात कबीर साहब से रखते हैं कि आपका वृद्ध शरीर है और आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं, लोग मरने के बाद नरक जाते हैं, उस मातृभूमि को छोड़ कर जा रहे हैं, लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं अगर मैंने अपना शरीर काशी में त्यागा तो है कि पंडा पुजारी कहेंगे कबीर साहब भी मुक्ति पाने के लिए काशी में शरीर त्यागे, तो इन लोगों का समाज में पाखंड का विस्तार और ज़्यादा हो जाएगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर एक वाणी बोलते हैं काशीवासी को समझाने के लिए, क्या काशी का ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीर तो रामी कौन नहीं हो रहा। कबीर साहब कहते हैं अगर काशी में मरने से मोक्ष मिलता है फिर किसी भी भगवान का या राम का पूजा पाठ करने से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर मैंने राम को जाना है, सत्यता को जाना है, कहीं भी मरूंगा मोक्ष पाऊंगा। तो कबीर साहब उस पाखंड को ख़त्म करने के लिए और कर्म सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मगर को चुनते हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर आमी नदी के पूर्वी तट पर कबीर धुनी एक जगह है, वहीं पर कबीर साहब ठहरते हैं। कबीर साहब का नाम सुनकर गोरखपीठ के जो संत होते हैं वर्तमान में वो भी आते हैं। गोरखनाथ जी के मन में आता काशी से कबीर साहब को बुला के लेकर पानी तो हम भी दे सकते थे। तो कबीर साहब अंतर्मुखी संत उनके गोरखनाथ जी के हृदय की बात को महसूस कर लेते हैं। जैसे जनता कबीर साहब के पास आते पानी की व्यवस्था किया जाए तो कबीर साहब गोरखनाथ के पास भेज देते हैं। तो गोरखनाथ जी अपने रिद्धि सिद्धि अनुसार दांत पर अंगूठा लगाते हैं कि उस पानी की शोध क्रिया चलता है। तो जनता कहते हैं इतने पानी से पूरे समाज की व्यवस्था नहीं हो सकती, फिर जनता कबीर साहब के पास ही आती है। तो कबीर साहब अपने ध्यान चिंतन में जाते हैं, अपने तपोबल के आधार से बारिश कराते हैं। इतना बारिश होता है जो नदी नाले सूख रहते हैं या आमी नदी सूखा रहता है उसमें ही पानी रीति चलने लगता है। उस समय के बाद इस क्षेत्र में बारिश पड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर वहाँ पर 5 संतों का मिलन होता है, कबीर साहब, नानक साहब, गोरखनाथ, केसरदास, संत रविदास। और जब से कबीर साहब इस आमी नदी को बहाएं 500 वर्ष से आज तक ही आमी नदी सूखा नहीं है। उसके बाद जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर कबीर साहब ऊंचा टीला देख के झोंपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। तो ज़्यादा भीड़ भाड़ जुटने लगता तो पीछे कबीर गुफा है जहाँ कबीर साहब बैठ के एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता तो पूर्णतिथि बता देते हैं। जो भी ज्ञानी संत होते हैं अपने समय श्रेणी जान लेते हैं तो कबीर साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा आते हैं, वही क्षेत्र का राजा बिजली का पठान भी आ जाते हैं, दोनों से मिलते हैं, वार्ता होता है। कबीर साहब कहते हैं जब तक झोंपड़ी के अंदर से आवाज़ आता रहा जब तक झोंपड़ी नहीं खोल के देखना, आवाज़ आना बंद हो जाए तो झोंपड़ी खोल कर देख लेना। ऐसे ही होता, कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोंपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता है कि कबीर साहब जीवित हैं, कोई खोलने का विचार नहीं किया जाता है। जब लोगों को लगता है कि कबीर साहब चलेगा तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर या शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारा अधिकार है, हमारी परंपरा के संत थे, हम उनको दफना के मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है। तो निर्णय ये निकलता है जो युद्ध में जीतेगा वही अपने धर्म अनुसार का देह संस्कार करेगा। जब इतनी बात आती है दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेके तैयार हो जाते हैं। तो बताते हैं उसी बीच में आकाशवाणी होता, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हतमत चीना। जब आकाशवाणी होता तो दो लोग विमर्श करते हैं, भी झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोंपड़ी खोलते हैं। झोंपड़ी खोलते तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। उसी से राजा वीर सिंह वगैरह यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं और मुस्लिम राजा उधर मजार स्थापित कर देते हैं। तो पंडित जी यहाँ मजार जस्ट बगल में, हाँ, वो कुछ फूल ले जाकर यहाँ कबीर चौरा बनारस में कबीर साहब का समाधि बनाया गया है। हाँ, आमी नदी बगल में ही है। जी, जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बात कराया पंडित जी से और पूरी डिटेल्स हमने बताया। और फ्रेंड्स जैसे कि पंडित जी बताया कि उसके बाद यहाँ पर देखिए मस्जिद बनाया गया है ताकि विवाद वाली बात ना रह जाए। और देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर मस्जिद है फ्रेंड्स।
और यहाँ पर पूरी मस्जिद है, और उसी के जस्ट बगल में फ्रेंड्स ये मंदिर भी है। देखिए जो हमने यहाँ पर बात कराई पंडित जी से, आइए देखते हैं फ्रेंड्स मस्जिद की ओर, क्या अलाउ है जाना कि नहीं है उसके अंदर। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स यही वो मस्जिद है जो कि मजार करीब कबीर साहब की है, और जस्ट इसी के बगल में फ्रेंड्स ये मंदिर भी है। और यहाँ कहाँ संत कबीर जी अपना, उनकी गुफा कहाँ है फ्रेंड्स, अभी आपको ले कर चल के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए इस समय मैं कबीर दास की साधना गुफा के पास में आया हूँ। जैसे कि पंडित जी बताए थे कि यहाँ पर आकर वो अपना पूजा पाठ वगैरह करते थे, ताकि वहाँ डिस्टर्बिंग होती थी वहाँ पर फ्रेंड्स। तो परमिशन के थ्रू फ्रेंड्स मैं अंदर के लिए अनुमति लिया हूँ और दिखाऊँ आपको। देखिए फ्रेंड्स कबीर गुफा द्वार है, और इसी के फ्रंट में देखिए सती माता का भी स्थान है। तो फ्रेंड्स मैं आपको जस्ट बगल में पहले सती माता का स्थान को मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स सती माता जी हैं, और फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ और दिखाएं आपको जो कबीर जी की जो गुफाएं थी बंद पड़ी हैं कुछ, इसी के अंदर वो रहा करते थे। और एक रास्ता और रेफरेंस देखिए कबीर गुफा का द्वार, क्योंकि इसी रास्ते से वो अंदर की तरफ जाते थे। देखिए पूरी सीढ़ी लगी हुई फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊं कि एक कबीर जी की गुफा द्वार है, और देखिए उनकी फोटो फ्रेंड्स लगा हुआ है पूरा है। देखिए कबीर जी का यहाँ पर फ्रेंड्स खड़ा हूँ रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये बाहर निकलने का रास्ता है, और फ्रेंड्स यहाँ क्या क्या है पूरी हम डिटेल्स को फ्रेंड्स दिखाता हूँ अपने ब्लॉग वीडियो के थ्रू। आइए चलें देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। जैसे कि फ्रेंड्स मैं दिखाऊं कि देखिए सत्य कबीर का ये जो आए हैं मंदिर को देखने के लिए, यहाँ क्या क्या था पूरा ने दिखाया। ये अमीन नदी है फ्रेंड्स, जो कि जो भी लोग आएंगे फ्रेंड्स यहाँ घूमने के लिए, ये कितना खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स, और पूरा नाव से भी पूरा लोग घूमते हैं। देखिए कितना खूबसूरत फ्रेंड्स लग रहा है यहाँ के दृश्य, देखिए पूरा पानी में बना हुआ है फ्रेंड्स, अमीन नदी है।
यहाँ बारिश नहीं होती थी फ्रेंड्स, और पूरा सूख गया था। और उसके बाद जैसे कि कबीर जी आए यहाँ पर, तब से कभी यहाँ पानी कम नहीं हुआ। और देखिए नाव से लोग इसमें घूमने के लिए बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स आते हैं। और मैं फ्रेंड्स बताऊं कि यहाँ देखिए पूरा हवन के लिए बना गया है, बना हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पूजा पाठ सब कुछ होता है। देखिए फ्रेंड्स, और मैं फ्रेंड्स आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर बोट इसमें अच्छे तरीके से ये लोग अपने बोट को चला रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पूरा पूजा पाठ किया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ क्या क्या है पूरी आपको दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने दिखाया कि यहाँ पर क्या क्या है, और आगे चलिए देखते हैं कितना खूबसूरत जगह है फ्रेंड्स। देखिए ये बोट भी बन रहा है यहाँ पर। देखिए कितना खूबसूरत पार्क है फ्रेंड्स। और यहाँ पर पूरे ये प्रतिमा है कबीर जी का। आइए यहाँ देखते हैं आगे। जैसे कि फ्रेंड्स मैं दिखाऊँ, बड़ा सा जो देख रहा है कोई भी प्रोग्राम होता है नासी वगैरह यहीं पर किया जाता है। इसके सामने फील्ड है फ्रेंड्स। बाहर की तरफ फ्रेंड्स चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सामने ये गेट है, इस गेट से हम लोग आए। देखिए हम लोग बाईपास की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं बाहर की ओर चल रहा हूँ। देखिए यहाँ की मार्केट भी थोड़ा दिखाऊँ आपको, कैसा है मार्केटिंग है फ्रेंड्स। We chase the leading us.
और यहाँ से फ्रेंड्स 500 मीटर दूरी पर यहाँ पर मेन हाईवे है और हम लोग करीब हाईवे के पास पहुँचने वाले हैं, क्योंकि तो यहाँ से हमें फ्रेंड्स गोरखपुर की तरफ चलना है। काफ़ी खूबसूरत फ्रेंड्स यहाँ का मार्केट भी है और फ्रेंड्स मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ गेट के। देखिए फ्रेंड्स गेट आपको दिख रहा होगा सामने और हम लोग हाईवे पर पहुँचने वाले हैं। पास ही में फ्रेंड्स पुलिस चौकी भी है, गेट के जस्ट बगल में। देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैं दिखाऊँ ये और भी पुलिस चौकी है। फ्रेंड्स मैं दिखाऊँ यहाँ पर, देखिए कितना खूबसूरत ये पार्किंग है और हमारा मेन हाईवे फ्रेंड्स आ चुका है। फ्रेंड्स अब हम गोरखपुर की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स।